फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका श्रेय अमृताज किचन में। तो आज मैंने बनाया आलू का पराठा, बहुत ही क्रिस्पी और फूला हुआ आलू का पराठा बनता है, वो भी देसी मसालों के साथ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए हमने 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं, साथ ही आधा कप हरा धनिया, 5-6 लहसुन की कलियां, स्वादानुसार नमक और 8 से 10 हरी मिर्च, साथ में 1/4 चम्मच कलौंजी ले लिया है। तो अब हम हरी मिर्च लहसुन को अच्छी तरह से कूटेंगे। तो कलौंजी को हमने साइड में रख दिया है और हरी मिर्च लहसुन नमक को अच्छी तरह से बारीक कूटना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया है, बहुत ही बारीक कूटना है। तो आप देख सकते हैं एकदम बारीक कूटा है मैंने इसे। तो हरी मिर्च का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे आलू में डाल देंगे, सारे ही हरी मिर्च के मसाले को डालना है और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आलू जो है बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हरा धनिया मिलाएंगे, साथ में इस कलौंजी डाल देते हैं, कलौंजी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें आलू के टुकड़े ना रह जाएं। अगर आलू के टुकड़े रहेंगे तो अब पराठे बनाते समय पराठे जो है फूटने लगते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिलाना है। तो मैंने आलू का जो मिक्सर है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आलू का मसाला तैयार हो गया है। तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आटे भी तैयार कर लिए थे। पराठे जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, जैसे आप रोटी का आटा बनाते हैं उसे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो मैंने पेड़े ले लिए हैं, 2 रोटियों के बराबर 1 पेड़ा लेना है और इसे अच्छी तरह से रोल कर लेते हैं। अब मैं इसमें आटे लगाऊंगी और आटे लगा के इसकी छोटी सी रोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी है, बहुत छोटी बनानी है। तो इसे छोटा रोटी बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना छोटा रोटी बनाया है और कितना मोटा रखा है। अब इसमें आलू का मसाला रख देंगे, मैंने 1.5 चम्मच आलू का मसाला लिया है और इसे हाथों से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब इसका एक पोटली आकार देंगे, अच्छी तरह से पोटली बना लेते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर का हिस्सा तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इतना आटा नहीं लिया था इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। और इसे चपटा करके दोबारा आटा लगाएंगे इसमें। और इसे हाथों से दबाते हुए फैला लेंगे ताकि जो आलू का मसाला है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। तो इसे अच्छी तरह से दबाते हुए फैला लेते हैं। अब इसके पराठे बनाएंगे तो बहुत हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाव इस पर नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा दबाव डाल के बेलेंगे तो जो आलू है वो साइड से निकल जाएंगे। तो इसे हल्के हाथों से ही बेलना है, धीरे धीरे इसे घुमाते हुए चारों तरफ से बराबर बेल लेना है। तो जो मैं पराठा है अच्छी तरह से बेल लिया है। अब मैंने यहाँ पे तवा लिया है जो मिट्टी का तवा है, तो इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख दिया है, उसके बाद हाई करेंगे। तो अब हाई फ्लेम कर दिया और पराठे को रख दिया है इसके ऊपर। तो पराठा एक साइड से सिक गया है, दूसरे साइड भी सेक लेंगे। दोनों साइड सेकने के बाद ही घी या तेल लगाइए। तो दोनों साइड जो पराठा सिक गया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम घी लगाएंगे, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, आप बटर भी इसके जगह यूज कर सकते हैं। तो दोनों साइड मैंने घी लगा दिया है। घी लगाते ही आप देख सकते हैं कि जो पराठा है वो साइड से फूलने लगा है और इसके ऊपर भी बहुत अच्छा कलर आया। इस समय आप गैस का फ्लेम लो रख दीजिए, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे रहेगा तो नीचे का जो हिस्सा है वो जल जाएगा, तो इसलिए इसे अब लो फ्लेम पे पकाना है। तो अब दूसरे साइड पलट देंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो अब इसे हम दोनों साइड पलटते हुए सेक लेंगे ताकि जो पराठा है वो कच्चा न रह जाए और पराठा जो है बहुत क्रिस्पी और नरम बनता है। तो जब इस पराठे को आप गर्म खाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी होता है, लेकिन जब आप इसे रख देंगे तो बहुत ही नरम हो जाता है। तो ऐसे ही हम चारों तरफ अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से।
तो जो पराठा है वो अच्छी तरह से सिक गया है। तो अब हम दूसरे पराठे को भी वैसे ही तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड सेकने के बाद ही इसे घी लगाएं आप। तो मैंने एक साइड सेक लिया है और दूसरे साइड भी सेक लेते हैं। तो दोनों साइड अच्छी तरह सिक गया है, अब इसमें हमने घी लगा दिया है। तो दूसरे साइड भी मैंने इसमें घी लगा दिया है। तो ये जो पराठा है वो ज़्यादा नहीं फूलेगा क्योंकि बीच से जो है फट गया है। तो मैंने आपको पहले जो बताया था कि अगर आप आलू को कद्दूकस करके बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से फूलेगा, लेकिन ये भी पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, क्रंची बना हुआ है। तो आप भी ऐसे ही पराठे तैयार कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।